हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरगन शॉप पर। आई होप आप सब बढ़िया हैं। आज हम देखने वाले हैं गैमो PT85 CO2 एयर पिस्टल। ये हमारी पहली वीडियो है यूट्यूब पे। आई होप आप सबको पसंद आए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं गैमो PT85 की अनबॉक्सिंग और थोड़ा बहुत उसका मैकेनिज़म। सो चलिए देखते हैं। ये है गैमो PT85 CO2 एयर पिस्टल जो कि मेड बाय गैमो है एंड इट्स मेड इन जापान एज इट इज़ रिटन ऑन द गन एंड इट कम्स इन अ बॉक्स लाइक दिस। सो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। ये इसका यूज़र मैनुअल है जिसमें गन के बारे में और उसके मैकेनिज्म के बारे में बहुत सारी जानकारी और डिटेल्स दिया हुआ है। सो जब भी आप कोई एयर पिस्टल, एयर गन जो आप खरीदे तो उसके ये मैनुअल से गो थ्रू ज़रूर करिए। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 12 ग्राम CO2 कार्ट्रिज यूज़ होता है। ये सेमी ऑटोमेटिक है विद अ ब्लोबैक एक्शन। इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो अप टू 450 FPS है। 16 राउंड का इसका मैगजीन है एंड एज पर द कंपनी ये लेस देन 1 सेकेंड में 8 शॉट आप इसमें फायर कर सकते हैं। सिंगल डबल एक्शन दोनों हैं। चलिए गन को अब देखते हैं। गन दिखने में कुछ इस तरह है। जो ग्रिप जो है ये फुल्ली टेक्सचर्ड है तो ग्रिपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ही कम्फर्टेबल है। लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी है दिखने में। जो इसकी बिल्ट मटेरियल की अगर बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो मटेरियल जो है, ये जो बॉडी आप लोअर बॉडी देख रहे हैं ये पॉलीकार्बोनेटेड है और जो इसका स्लाइड है ये मेटल है, फुल मेटल है। यहाँ से आपको बैरल भी दिखेगा। बैरल जो है इसका फुल्ली राइफल्ड बैरल है क्योंकि इसमें पैलेट्स फायर होते हैं तो बैरल जो है इसका राइफल्ड है। साइट्स की अगर बात करें तो फिक्स साइट है विथ वाइट मार्किंग्स है तो काफ़ी क्लियर है विजन में। यहाँ पे इसका सेफ्टी लॉक दिया हुआ है। अभी एस मीन्स ये सेफ्टी में है। इसको अगर फायर मोड में करना है तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे तो ये रेड मार्किंग यानी दिस इज़ ऑन द फायर मोड और अभी वापस इसको सेफ्टी मोड में डालना है तो ऐसे खींच के फिर नीचे इसको सेफ्टी मोड में डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका टैक्टिकल रेल दिया हुआ है। अगर आपको कुछ अटैचमेंट्स ऐड करना है तो जैसे कि फ्लैश लाइट हो गया या लेज़र हो गया तो यहाँ पे आप उसको अटैचमेंट को ऐड कर सकते हैं। ये आपका मैगजीन का पुश बटन है। मैगजीन अगर आप ये बटन को पुश करेंगे तो मैगजीन ऐसे निकल के आ जाती है। मैगजीन काफ़ी लाइट वेट है और ये 16 राउंड का मैगजीन है। यहाँ पे 8 राउंड जो है, 8 राउंड कैपेसिटी का ये रोटरी मैगजीन है। ऐसे दो है यहाँ पे तो 8+8 टोटल 16 राउंड आप इसमें फायर कर सकते हैं। मैगजीन को साइड रखते हैं। इसमें CO2 इंसर्ट करने के लिए ये जो लोअर जो पार्ट है ये अलग से आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट को आपको सिंपली ऐसे खींचना है तो ये आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप CO2 सिलेंडर जो है इंसर्ट कर सकते हैं। इसको लूज़न करना है। लूज़न करने के बाद यहाँ पे आप CO2 सिलेंडर इंसर्ट करके इसको वापस टाइट करके फिट कर सकते हैं। लेकिन ये बात का ध्यान रखिएगा, इसको ओवर टाइट नहीं करना है। अगर एक बार CO2 सिलेंडर इंसर्ट हो जाता है फिस करके आपको आवाज़ आएगा, उसके बाद थोड़ा सा और टाइट करेंगे, ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करेंगे। जैसे अपन ने CO2 अगर फिट कर दिया, वापस ये इसको ग्रिप को वापस से यहाँ फिट कर दीजिए। सो आपका जो गन है वो CO2 उसमें इंसर्ट हो गया है एंड इट्स रेडी। मैगजीन में पैलेट डालने के लिए आपको पैलेट इस साइड से डालना है। यहाँ पे मार्किंग आपका दिया हुआ है, पैलेट्स इस साइड से जाएगा। 8 पैलेट्स याले रोटरी मैगजीन में आएंगे, सेम 8 पैलेट्स यहाँ पे भी आएंगे, टोटल 16 पैलेट्स आएंगे इसमें। उसके बाद मैगजीन को वापस से इंसर्ट करने के लिए इस डायरेक्शन में ये पैलेट इधर फेस करते हुए यहाँ इस डायरेक्शन में आपका मैगजीन जो है इसमें इंसर्ट हो जाएगा। नाउ योर गन इज़ रेडी टू फायर। इसको सिंपली आपको स्लाइड मेटल को स्लाइड करना है और इसको 8 शॉट फायर करने के बाद वापस से ये मैगजीन को दूसरी तरफ से फिर डाल देना है।
फिर आप इसमें फिर से 8 शॉट फायर कर सकते हैं। तो इन टोटल आप 16 शॉट इसमें एट ए टाइम आप इसमें फायर कर सकते हैं। होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, एंड आने वाले वीडियोस में हम ज़रूर इसको चला के भी आपको शो करेंगे और भी वीडियोस डालेंगे दूसरी दूसरी गन्स की। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड आपका सपोर्ट यूं ही बना रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।